हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 8 हम लोग इस वीडियो क्लिप में पढ़ने वाले हैं। मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना है अगर आप लोगों को, तो स्टार आईक्यू कोड इस्तेमाल करना, जिस कोड का इस्तेमाल करने से आप लोगों को सभी क्लासेस फ्री में दिखाई देगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अनअकैडमी पे सभी कोर्सेज को अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको स्टार आईक्यू कोड यूज करने से 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अनअकैडमी पे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, अगर आप बैंक का 1 साल का कोर्स लेंगे तो आपको 6 महीने एडिशनल फ्री मिलेगा। 2 साल का लेने से आपको 12 महीने एडिशनल फ्री मिल जाएगा और इस पे आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो फायदा ही फायदा है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात जो आपका, या एक्सपोर्ट जोन कहिएगा, आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ना, इसकी स्थापना हुई है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ना, प्रसंस्करण की स्थापना हुई है कांडला के अंदर, ठीक है ना। कांडला पोर्ट आप जानते हो, जिसका नाम अब बदल के दीनदयाल उपाध्याय जो है ना वो कर दिया गया है, ठीक है ना। जो कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है, इस बात को भी आप याद रखना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सह कार्यालय कौन सा है, बांग्लादेश वाला कौन सा है, बंगा भवन कहलाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस वाले सवाल का हमारा ठीक रहेगा, बंगा भवन कहलाएगा ये, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है, हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी के ऊपर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, महानदी के ऊपर बनाया गया हीराकुंड बांध। भारत में पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है, स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कल्पक्कम में, ठीक है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि असम में किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहां पे प्रवेश करती है, धुबरी के अंदर करती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, धुबरी के अंदर। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर किस स्थान पे स्थित है, ज्ञान सरस्वती मंदिर जो है ना ये स्थित है दक्षिण भारत के बसर नाम की जगह पे, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा आंसर वो बिल्कुल ठीक रहेगा, बसर नामक जगह पे स्थित है। भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया जो है ना का ये कहां पे लोकेट करता है, ये देहरादून के अंदर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक है, देहरादून। और इसने रिसेंटली हरियाणा में बंदरों की जनगणना, बंदरों की गणना मोबाइल के द्वारा जो है ना स्टार्ट करी है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, मैंने अभी बताया था 4096 किलोमीटर है, ये बात भी आपको यहां से याद करनी है। अगला सवाल, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है, तो झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के अहमदाबाद शहर में है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन जो है ना वो आंसर हमारा ठीक रहेगा। तवांग के पास भारत का भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है, तो ये तवांग के पास भारत और चाइना का भूमि विवाद है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लिप में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।